कुलभूषण यादव के लिए वकील मुकर्रर करने का केस अटॉर्नी जनरल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। भारत ने अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। अदालत ने रिमार्क देते हुए कहा है कि इंडिया मामले पर महज सियासत कर रहा है। समाअत 9 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में गिरफ्तार हाजिर सर्विस रॉ अफसर को वकील फराहम करने से मुतल्लिक वजारत कानून की दरखास्त पर समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि भारत ने कुलभूषण केस में 7 सितंबर को जवाब भिजवाया है, जिसमें 4 बेबुनियाद एतराजात भी उठाए गए हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि भारत ने लंदन में प्रैक्टिस करने वाले क्वींस काउंसिल को बतौर वकील पेश करने की इजाजत मांगी है। ऑर्डिनेंस के तहत कुलभूषण खुद काउंसलर या नुमाइंदे के जरिए कार्रवाई का हिस्सा बन सकता है, लेकिन भारत जानबूझकर कुलभूषण यादव केस से भाग रहा है। अब यही ऑप्शन रह जाता है कि हुकूमत कुलभूषण यादव के लिए वकील मुकर्रर करे। रियासत और अदालत दोनों कुलभूषण केस में फेयर ट्रायल को यकीनी बनाना चाहते हैं। जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि क्या ये अदालत अपने तौर पर कुलभूषण के लिए वकील मुकर्रर कर सकती है। अदालत की मुआवनत करें कि भारत या कुलभूषण की मर्जी के बगैर वकील मुकर्रर करने के क्या असरात होंगे। क्या ये कुलभूषण केस में मौसम नजरसानी के कानूनी तकाजे पूरे करेगा। भारत और कुलभूषण वकील नहीं करते तो केस कैसे आगे बढ़ाएंगे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और अदालती मुआविन हामिद खान को दलायल और बैनुल अक्वामी अदालती नजीरें पेश करने की हिदायत करते हुए मजीद समाअत 9 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी।